वही नांदेड़ जिले में करीब 2,77,000 हेक्टेयर में चने की खेती होती है और हर साल करीब 41 लाख क्विंटल चने का उत्पादन होता है, लेकिन किसानों को भारी फसल खेत छोड़ देने के बाद अभी तक उसकी खरीद नहीं हो पाई है। लेकिन नाफेड की चने की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल बंद होने से इसमें रुकावट हो रही है। इस बीच नांदेड़ जिले में कुल 90 किसान उत्पादक कंपनियां हैं और उनमें से केवल 20 से ही खरीदी शुरू हुई है, जबकि अभी तक 70 किसान उत्पादक कंपनियों से खरीद नहीं हो रही है। व्यापारी किसानों का आर्थिक शोषण कर रही हैं। चने की फसल के लिए सरकार ने गारंटी मूल्य 5,300 रुपये दिया है, जबकि खरीदी पोर्टल बंद होने के बाद से व्यापारी से मात्र 4,100 रुपये खरीद कर किसानों को लूटा जा रहा है। किसान इस लूट को रोकने के लिए नाफेड का ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम नामदेव रेड्डी है। हमारी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से नांदेड़ जिले से एक ही मांग है कि अभी तक फिलहाल 5-6 सेंटर हमारे ऑनलाइन के लिए चालू हुए हैं एनएमएल की तरफ से, नाफेड की तरफ से, और बाकी के लगभग 60 प्रस्ताव हमारे नाफेड को गए वाले हैं। उसमें से 55 सेंटर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए जल्दी से जल्दी चालू करना चाहिए, ताकि हमारे जो भी फार्मर है उनका जो मार्केट के चने के रेट का जो दुबाव है 1,000 रुपये का, उसका नुकसान कम हो जाएगा। हमारे सब फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के सदस्यों की तरफ से ये गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे बाकी के सेंटर के ऑनलाइन प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू की जाए।